नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं दुनिया के सबसे ऊंचे महादेव मंदिर तुंगनाथ के बारे में। तुंगनाथ मंदिर उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में चोपटा वैली में स्थित है और महादेव के जो पंच केदार है ये उनमें से एक भी है। तो तुंगनाथ मंदिर तक कैसे पहुंचा जा सकता है, होटल्स कहाँ होंगे, ट्रैक कितना लंबा होगा, कितना टाइम लगेगा, ऐसे सारे सवालों के जवाब हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो एंड तक बने रहिए मेरे साथ। तुंगनाथ दर्शन के लिए आपको सबसे पहले पहुंचना होगा हरिद्वार। हरिद्वार से आगे बेस्ट होगा आप एक प्राइवेट कैब बुक कर लें या फिर हमारी तरह एक बाइक रेंट करके भी आप चोपटा तक पहुँच सकते हैं, क्योंकि चोपटा जहाँ से तुंगनाथ ट्रैक शुरू होता है वहाँ के लिए डायरेक्ट बसेज अवेलेबल नहीं है और ट्रेन्स तो यहाँ पे वैसे भी नहीं चलती। तो आपको पहले हरिद्वार या ऋषिकेश से रुद्रप्रयाग तक बस लेनी होगी, उसके बाद आपको रुद्रप्रयाग से शेयरिंग में कुछ बोलेरो वगैरह चोपटा तक के लिए मिल जाएगी, लेकिन इनका कुछ फिक्स टाइम और अवेलेबिलिटी नहीं होती है तो आपको इस मोड में थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। हरिद्वार से चोपटा का डिस्टेंस है 230 किलोमीटर और इसे पूरा करने में आपको लगभग 7 से 8 घंटे का टाइम लग जाएगा। इस रास्ते में हरिद्वार से कुंड तक के रोड कंडीशन मोस्टली अच्छे हैं और नज़ारों की तो बात ही क्या करें। कुंड से आगे भी रोड के कंडीशन काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन यहाँ से आगे सिंगल लेन रोड स्टार्ट हो जाती है और रास्ते भी काफ़ी घुमावदार है, तो यहाँ तक जो खुद ड्राइव करके आ रहे हैं उन्हें काफ़ी केयरफुली ड्राइव करने की ज़रूरत है। तो चोपटा के 10 किलोमीटर पहले से आपको होटल्स एंड कैंप्स मिलना शुरू हो जाएंगे और यहाँ से 2 किलोमीटर आगे तक स्टे ऑप्शंस अवेलेबल है। ट्रैक के स्टार्टिंग पॉइंट के पास भी कुछ होटल्स बनाए गए हैं, लेकिन इनके रूम्स मोस्टली फुल ही मिलते हैं, तो आप अपनी सुविधा के अनुसार थोड़ा आगे या पीछे अपना स्टे बुक कर सकते हैं। इनका प्राइस 1500 से 2500 तक रहता है एक डबल बेडरूम के लिए। और रही बात खाने पीने की, तो खाने पीने का इंतजाम आपका वहीं पे हो जाएगा जहां आपने अपना स्टे बुक किया है। तो चोपटा पहुंचने तक आपका एक दिन पूरा लग जाएगा, तो इसी के साथ आपका डे वन कंप्लीट होता है। तो डे टू पे आपका ट्रैक रहने वाला है। डे टू पे अर्ली मॉर्निंग उठिए, अपना सारा लगेज वगैरह होटल पे ही छोड़िए, ब्रेकफास्ट वगैरह करके पहुंच जाइए वहां जहां से तुंगनाथ बाबा का ट्रैक शुरू होता है। यही वो जगह है जहां से तुंगनाथ चंद्रशिला का ट्रैक शुरू होता है। यहीं से आपको रेंटेड स्टिक और शूज वगैरह मिल जाएंगे। स्टिक का रेंट है 20 रुपए और शूज के लिए आपको 100 रुपए देने होंगे। तो चलते हैं आगे, शुरू करते हैं अपना ट्रैक। अभी टाइम हुआ है 6 बजे। दिखाते हैं आपको कैसे नज़ारे होंगे ट्रैक के और क्या क्या आपको ट्रैक के दौरान देखने को मिल सकता है। फिसलेगी है। अभी खाली 300 मीटर चले होंगे हम और बर्फ मिलना शुरू हो गई है। यही ये हाल है, ऊपर से क्या ही होगा, देखते हैं, मजा आएगा। कैसे मैं समझ के चलना होता है लगभग 20 मिनट हुए हमें ट्रैक शुरू करे, सनराइज भी हो गया। अभी हम पहुंचे बुग्याल तक। बुग्याल के नज़ारे आपको दिखाते हैं, किसे मिनी स्विट्जरलैंड क्यों कहा जाता है। इसके साइड साइड भी चलूंगा मैं तो। साइड साइड में जब बर्फ वाले पहाड़ पे सुबह सूरज की पहली किरण गिरती है, उस नजारे का कोई मुकाबला नहीं। बर्फ इतनी ज्यादा है, चलना मुश्किल हो रहा है। पूरी ब्लैक आइस है, पैर रखते फिसल रहा है। तो फिर अभी ये ट्रेल के साइड से नीचे नीचे होके आगे तक पहुंचेंगे। आ रहा है मजा, कूद जाओ। लगभग आधा रास्ता कवर हो गया हमारा, 1.5 किलोमीटर के आसपास। आधे रास्ते के बाद ये ढाबा बना हुआ है यहाँ पे, लेकिन ये उसी टाइम खुलता है जब तुंगनाथ बाबा के कपाट खुले रहते हैं। अभी ये भी बंद ही है, तो आपको रास्ते में
खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं मिलेगा। अगर आप कपाट बंद के टाइम आ रहे हैं तो अपना पानी और लंच वगैरह जो भी है वो साथ ही कैरी करें, वरना ऊपर आपको दिक्कत हो सकती है। पता है हम ट्रैक क्यों करते हैं? दिखाता हूं आपको। इन नजारों के लिए ध्यान से ट्रैक करते टाइम धीरे धीरे छोटे छोटे कदमों के साथ चलते रहिए। कोशिश ये रखिए कि आपकी सांस ना फूले, क्योंकि एक बार सांस फूल गई उसके बाद चलना मुश्किल हो जाता है। वैसे हम भी पहुंच ही गए हैं, बस आधा किलोमीटर बचा होगा। मंदिर सामने ही दिख रहा है, वो उस जगह मंदिर है। सीधा चौपटा, सीधा चौपटा लाओगे गाड़ी के ऊपर, सीट के ऊपर कूदोगे। फाइनली पहुंच ही गए हम, मंदिर सामने ही दिख रहा है अभी तो। डंडे डंडे घुसा के छेद कर रखे। वो सामने तुंगनाथ बाबा का मंदिर। ये वाला रास्ता मंदिर के लिए जाता है, लेकिन अभी कपाट बंद होने के कारण इसे बंद ही रखा गया है। और ये वाला रास्ता चंद्रशिला की तरफ जाएगा, तो इसी रास्ते से आगे घूम के फिर मंदिर तक पहुंच पाएंगे। दूसरों को बोल दे गैर कानून है, खुद ये कौन सा कानून है? तो 3 घंटे का ट्रैक करने के बाद हम पहुंच गए थे मंदिर तक। दर्शन वर्शन हमारे एकदम अच्छे से हो गए, कोई ज़्यादा भीड़ भाड़ थी नहीं, मुश्किल से 15-20 लोग होंगे। ड्रोन वगैरह सब उड़ा लिया हमने। अभी के लिए तो बस यहाँ से नीचे जाएंगे और नीचे से फिर सीधा बाइक उठा के फिर निकल जाएंगे। अभी वापस नीचे के लिए निकल रहे हैं, वहाँ से मंदिर आया था। वैसे रास्ता वो है, लेकिन वो काफ़ी लंबा है, इसलिए हमने सोचा है कि इस बर्फ से होते हुए शॉर्टकट लेके जल्दी नीचे पहुंच जाएंगे। चढ़ते टाइम तो मौसम काफ़ी सही था, ठंड थी, पर उतरते टाइम खतरनाक धूप गर्मी। पर एक काम सही हो गया, धूप आने से ही थोड़ी बर्फ पिघल गई, चलने में फिसलन कम हो रही है। ट्रैक स्टार्ट करने के लिए आपको ₹150 की फीस देनी होगी। हालांकि हमने अर्ली मॉर्निंग स्टार्ट किया था, उस टाइम पे यहाँ चेक पोस्ट पे कोई भी नहीं था, तो हमें ये फीस नहीं देनी पड़ी। तो पूरा ट्रैक करके नीचे तक आ गए हम लोग। नीचे आने में हमें लगा था 1.5 घंटा और ऊपर जाने में हमें लगे थे 3 घंटे, तो लगभग इतना ही टाइम लगता है एवरेज में, ज़्यादा टाइम नहीं लगता, छोटा ट्रैक है। और केवल 3 घंटे के ट्रैकिंग के बाद आपको बहुत ही खूबसूरत नज़ारे मिल जाएंगे ऊपर। ट्रैक के बाद आप चोपटा में ही रेस्ट करिए, या अगर आप ट्रैक करके नीचे चोपटा तक जल्दी पहुंच जाते हैं तो चोपटा में ही बोनफायर वगैरह करके यहाँ भी इंजॉय कर सकते हैं। चाहे आप किसी भी मौसम में आ रहे हैं, चोपटा में आपको ठंड मिल ही जाएगी। तो इसी के साथ डे 2 भी कंप्लीट होता है, एंड डे 3 पे अपनी वापसी रहेगी हरिद्वार के लिए। रास्ते में आप चाहें तो उखी मठ में ओमकारेश्वर मंदिर के भी दर्शन कर सकते हैं। ये वही मंदिर है जहां सर्दियों के टाइम बाबा केदार की पंचमुखी डोली की पूजा करी जाती है। तो उम्मीद है इस वीडियो से आपके काफ़ी सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। फिर भी कुछ रह गया है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं किसी नए सफर में, तब तक के लिए हर हर महादेव।